अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां महाविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को लेकर चुनाव तिथि की घोषणा कर दी गई है। छात्र संघ चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद छात्र नेताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी माह 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगी छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया और उसी दिन परिणाम की भी घोषणा महाविद्यालय प्रशासन करेगा। नामांकन नकी प्रक्रिया 8 दिसंबर को सम्पन्न होगी। बताते चले कि साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तिथि की घोषणा को लेकर छात्र नेताओं ने बीते दिनों आंदोलन किया था। पिछले 3 वर्षों के बाद साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव संपन्न होगा। गौरतलब है कि साकेत महाविद्यालय के 9,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग छात्र संघ चुनाव में करेंगे। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री व उपमंत्री के लिए मतदान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अभय सिंह ने जानकारी दी। पहले चला रहा है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, ये 4 छात्र संघ चुनाव 22-23 के लिए निर्धारित है। लिंग 2 कमेटी के आधार पर ही चुनाव पूर्ण रूपेण कराया जाएगा। प्रशासन की अनुमति के बाद मतदान की तारीख जो निश्चित की गई है इलेक्शन की, वो 12 दिसंबर को। जो प्रत्याशी होंगे उनकी जो अमाउंट है कितना निर्धारित, कितना खर्च चुनाव खर्च? नामांकन चुनाव खर्च टोटल है 7,500 रुपया, पहले 5,000 था, उसको उन्होंने बढ़ा के 7,500 किया है सहमत से। और नामांकन पत्र जो होगा वो 2,000 का, सिक्योरिटी मनी 1,500 रुपये। जो सिक्योरिटी मनी तभी वापस होगी, या तो वो 30% से ज़्यादा वोट पाएंगे तब होगा, या उससे कम पाएंगे तो जब्त हो जाएगी। जो छात्र वोट डालने आएंगे, हाँ, उनके लिए ड्रेस कोड लागू होगा कि बिगल? फिलहाल तो ड्रेस कोड के लिए मैं प्रशासन को भी सूचित किया है और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि ये जरूर निकालिएगा, बिना यूनिफॉर्म के वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जुलूस से क्या है? जुलूस निकालेंगे कि? जुलूस नहीं, कोई जुलूस नहीं कैंपस में। हमने प्रशासन को भी बता दिया है, रिक्वेस्ट किया, किसी प्रकार का कोई जुलूस यदि लड़का निकालता है, प्रशासन रिपोर्ट करता है हमारे सामने, तो उनका प्रत्याशी पद निश्चित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की यदि अवैध वसूली की भी शिकायत मिलती है, प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लिया जाता है और कॉलेज को सूचित करते हैं, तो उनका प्रत्याशी पद अवैध घोषित कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा।